अलमेकम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप और ऑडिटिंग के बारे में आपका ये जो इंट्रोडक्टरी पीरियड चल रहा है कुछ समझ आ रही है इसमें हम जो बातें अभी तक सीख चुके हैं उसे मैं दोबारा से आपके सामने पेश किए देता हूँ ताकि कॉन्टीन्यूटी बन जाए और आज इन ताला हमारा ये इंट्रोडक्शन से मुतलक जो पार्ट है ये कम्प्लीट हो जाएगा हमने जो अभी तक सीखा उसमें सबसे पहली बात कि वट इज एन ऑडिट इसमें हमने डेफिनेशन पर फोकस किया था कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी दैट एनेबल्स एन ऑडिटर टू फॉर्म एन ओपिनियन दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स र गिविंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी और नॉट यह है ऑडिट और इसमें हमने इस चीज पे खासा जोर दिया था कि यह इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है यानी कि ऑडिटर का कोई बायस इन्वॉल्व नहीं है कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि उस एंटिटी की बनाई हुई है और फिर यह कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिट होनी है वो इन कॉन्फॉर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये हमने ऑडिट के बारे में सीखा था फिर उसके बाद हमने एक और बात सीखी थी वाई इज देयर अ नीड फॉर एन ऑडिट इस पर आपको अगर याद हो तो हमने बात यह की थी कि ऑडिटर ने एक रिपोर्ट पेश करनी होती है जो कि उसके इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पर बेस करती है अगर मैनेजमेंट कोई शख्स एम्प्लॉय करती है और उसे कहती है कि जी आप हमें रिपोर्ट दें तो वो रिपोर्ट चूंकि वो शख्स इंडिपेंडेंट नहीं है दुरुस्त नहीं होगी मिसलीडिंग होगी इनएडवर्टेंटली भी और डेलिब्रेटली भी हो सकती है उसमें एरर्स भी हो सकते हैं उसमें फ्रॉड्स भी हो सकते हैं इसलिए जरूरत पेश आती है कि हम इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाएं एक एक्सटर्नल ऑडिटर से और वो फिर जो हमें रिपोर्ट पेश करेगा उस पर फिर हम रिलाय करेंगे और इसी पॉइंट में हमने एक और बात भी सीखी थी कि कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके लिए फिर हम उतने ज्यादा एक्सपर्ट्स से रता करते हैं लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप अकाउंट्स की सूरत में जहां पर के कॉन्सोलिडेटेड हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई होती हैं एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन होती है और वहां पर हमें फिर एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो चार्टेड अकाउंटेंट्स की शक्ल में हम फर्म से रहा करते हैं सो so, ये चंद एक बातें हमने सीखी थी कि हम क्यों ऑडिट करवाते हैं फिर हमने एक और पॉइंट सीखा था वट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इसमें हमने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के रेफरेंस में बड़ी वाज एक बात सीखी थी कि जहां पर अकाउंटिंग खत्म होती है फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट ऑडिटिंग स्टार्ट और अकाउंटिंग इज सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट दिस इज द मैनेजमेंट विच हैज टू सेलेक्ट एंड अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड मैथर्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट द ऑडिटर हुपॉन्सिबल फॉर प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर उसके बाद ऑडिटर ने क्या करना है आगे उसका काम शुरू हो जाएगा कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म करके बता दे कि क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है एंटिटी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज का या नहीं वो जो भी होगा वो ओपिनियन ऑडिटर पेश कर देगा तो ये हमने सीखा था कि क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में इधर हमने कंफ्यूजन समझी थी वो कंफ्यूजन क्या जो अमूमन आम इंसान जिसका शिकार हो जाता है वो ये कि अकाउंटिंग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं ऑडिटिंग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं लिहाजा इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिस कैपेसिटी में अकाउंटिंग कर रहा है वो एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी है कुछ केसेस में कंसल्टेंट की कैपेसिटी में भी वो अकाउंटिंग कर रहा होता है लेकिन बहरहाल ज्यादा केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पर वो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के काम कर रहा होता है सिर्फ और जो ऑडिट कर रहा होता है वो अलग से ऑडिटिंग के लिए अपॉइंट होता है उसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं या बाज केसिस में मैनेजमेंट तो वो जो अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर उसकी हो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो एक अलग माने रखती है अब चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग एंड इन ऑडिटिंग रेफरेंस लिहाजा हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर दोनों काम कर रहा है तो एक ही काम है नहीं डॉक्टर फिजिशियन भी हो सकता है डॉक्टर सर्जन भी हो सकता है दोनों एक तो नहीं है ठीक है ना लिहाजा आप फिजिशियन को अलग देखते हैं और सर्जन को अलग से देखते हैं कि सर्जन का काम फिजिशियन का काम एक नहीं है इसी तरह से अकाउंटेंट का काम और ऑडिटर का काम एक नहीं है अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर पेश कर देनी है एंड दिस इज द ऑडिटर हु विल इंडिपेंडेंटली एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर नेक्स्ट हमने एक और बात सीखी थी कि हु कैन बी एन ऑडिटर अब हु कैन बी एन ऑडिटर के रेफरेंस में हमें बहर हाल कानून को देखना पड़ता है कानून कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अब यहां पर कुछ शराय हैं क्या हर फर्म हर बिजनेस हर अदारा चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही ऑडिट करवाने के लिए बाउंड है नहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगे और हां ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो लिस्टेड हैं वो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगी या ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से ऑडिट करवाएंगी जो क्यूसीआर की सेटिसफैक्ट्री रेटिंग रखती हैं, जो लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। और ये क्यूसीआर की सेटिसफैक्ट्री रेटिंग आई की तरफ से की जाती है एक टीम आती है और वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करती है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का और उनको कहती है कि ठीक है जी वी आर सेटिस्फाइड तब वो फर्म जो है दैट इज एलिजिबल टू ऑडिट द लिस्टेड कंपनीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रेफरेंस में अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल थ्री मिलियन या उससे जायद है तब चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको ऑडिट करवाना जरूरी है अदरवाइज किसी से भी ऑडिट करवा सकती है कोई कंपल्शन नहीं है कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है और ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिड्री ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी है तो ऐसी सूरत में उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भले अब उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है थ्री मिलियन से कम ही क्यों ना हो उसके लिए जरूरी है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाए नेक्स्ट हमने जो सीखा वो था व्हाट स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट अब इस ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था ऑडिटर ने उस एंटिटी के सिस्टम को ऑल टुगेदर स्टडी करना होता है और उसके सिस्टम को स्टडी करने के बाद वो देखता है कि जी ये एंटिटी किस किस्म के कंट्रोल्स अपनाए हुए हैं उस पर फिर ऑडिट प्रोसीजर्स बनाता है और उन ऑडिट प्रोसीजर्स से ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करता है और आफ्टर हैविंग दैट रीजनेबल एश्योरेंस अब ऑडिटर ने क्या करना है अब उसने एक रिपोर्ट मुरतब करनी है और उस रिपोर्ट को उसने पेश कर दिया अब वो जो रिपोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होना चाहिए ऑडिटर्स रिपोर्ट पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ने भी कुछ बताया हुआ है लेकिन हम पाकिस्तान स्नैरियो में जब बात करेंगे तो पाकिस्तान स्नैरियो में हमें कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को मानना होगा तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक आपको याद होगा मैंने ऑडिटर्स रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी जिसमें के ऑडिटर सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि मैं किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने जा रहा हूं, फिर वो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी मेरी जिम्मेदारी इनको ऑडिट करने की थी और फिर वो बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए इसके पीछे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो भी मेथड्स हैं जो भी प्रोसीजर्स हैं जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो इन कंफॉर्म विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है ये ऑडिटर बता रहा है। और फिर वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं उन तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो कि उस एंटिटी में पाई गई वो कहता है कि ये ट्रेंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रही यहां पर मैंने आपको बताया था कि दो तरह की ऑडिटर्स रिपोर्ट हो सकती हैं एक अनक्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट और एक क्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट इनकी डिटेल्स हमने इंशाल्लाह ताला बाकायदा जब ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़नी है उसमें सीखेंगे लेकिन सिर्फ इतना स्टेज पर आप जान रखिए अनक्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट वो है जिसमें कोई शक का इजहार नहीं किया गया किसी खराबी को बयान नहीं किया गया बल्कि यह कहा गया है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं, और जो क्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट होंगी उसके अंदर कहा गया होगा कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रहे ठीक है सो so, ये हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट के रेफरेंस में बातें सीखी थी फिर इसके बाद आपको छोटी सी एक और बात बताई थी कि व्हाट स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन तो इसके अंदर हमने ये बात सीखी थी कि ऑडिटर ओपिनियन देता है ऐसा कभी नहीं कहता कि जी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू पेश किया जा रहा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं वो कहते हैं इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री From material misstatements and errors and frauds, ऐसी बात करता है ऑडिटर ऑडिटर कभी ऐसी बात नहीं करता कि जी ये बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट फेयर है हां अलबत् अब वो जो यूजर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या रीडर होता है जो ऑडिटर्स रिपोर्ट का वो उस ओपिनियन के मुताबिक डिसीजन मेकिंग करता है इस बेस पर ये देखते हुए कि ऑडिटर कितना इंडिपेंडेंट था कितना एक्सपर्ट था अगर वो ऑडिटर पर इस हद तक रिलाय करता है तो उसके ओपिनियन के मुताबिक फिर वो अपने नेक्स्ट डिसीजंस ले लेगा क्लियर इसके बाद हमने सीखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट और उसके अंदर हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एक टाइप है जिसके बारे में आई टोल्ड यू कि दिस इज इनफैक्ट द एक्सटर्नल ऑडिट फिर हमने देखा ऑपरेशनल ऑडिट एक टाइप है और एक कॉम्प्लाइंस ऑडिट टाइप है ऑपरेशनल ऑडिट में मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट जो एंटिटी के अंदर हमारे ऑपरेशनल प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इवेल्यूट करते हैं और मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन देते हैं के जी ये ऑपरेशंस ठीक हो रहे हैं या नहीं ठीक हो रहे इसको अकॉर्डिंगली ठीक कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये ऑडिट मोस्टली इंटरनल ऑडिट कहलाता है क्योंकि इसको परफॉर्म करने वाले लोग इंप्लॉयज होते हैं उस एंटिटी के और इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लायंस ऑडिट है कॉम्प्लायस ऑडिट ये होता है कि हायर अथॉरिटीज से कोई रूल या लॉ इंपोज किया होता है उस एंटिटी पर देखना ये होता है कि क्या ये एंटिटी उस लॉ के मुताबिक परफॉर्म कर रही है या नहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का लॉ हो सकता है लेबर लॉस की बात हो सकती है या कोई भी ऐसी बात जो कि प्रोसीजरल मैटर हो लॉ के रेफरेंस में कानून के रेफरेंस में वहां पर अब एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कि आप हमें बताएं कि क्या हम हमारी एंटिटी कंप्लायंस कर रही है उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो किसी हायर अथॉरिटी ने हम पर इंपोज किया तो वो कंप्लायंस ऑडिट हो ये तीन किस्में मैंने आपको ऑडिट की बताई थी और फिर इसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर तक सीखा था वो था एडवांटेजेस एंड दिस एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट के रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि जहां तक तो बात है एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को तो ऑडिट करवाना ही है वो जो मैंने आपको बताया भी कि ऑडिटर के रेफरेंस में कि वो कौन-कौन से कंपनीज हैं जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हायर करना होती है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए तो इसका मतलब है कि उन फर्म्स के लिए ऑडिट करवाना तो जरूरी है बेशक एडवांटेज है या नहीं है उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि वो कंपनीज ऑर्डिनेंस का कहना मान रहे हैं क्योंकि अगर ये कहना नहीं मानेंगे तो डिफॉल्टर हो जाएंगे उन पर फिर पेनल्टीज वगैरह इंपोज होंगी तो बहरहाल उनको जो है ऑडिट करवाना जरूरी और ऑडिटेड रिपोर्ट पेश करना होती है उन्हें फिर एस सी पी में एनीवेज जो बाकी की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें के सोल प्रोप्राइटरशिप की बात आती है और जिसमें के पार्टनरशिप की बात आती है और हाँ वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो जिन पर लाजिम नहीं है ऑडिट करवाना थ्री मिलियन से कम पेड़ अप कैपिटल वाली कंपनीज, ठीक है ना और जो सब्सिडरी नहीं है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वो वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और नॉन प्रॉफिट ये चार आप जेहन में रखिएगा ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनका चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है फिर पार्टनरशिप फर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेश अब ये चार ऐसे अदारे हैं जो कि अपने एडवांटेजेज और डिसएडवाटेज को देख कर फिर फैसला करेंगे कि हमें ऑडिट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए वहां पर मैंने आपको कुछ एडवाटेजेस बताए थे कि पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसके बारे में फिर उनको ऑडिट रिपोर्ट बता देती है या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता देती हैं कि जी ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए तो आप खाम खाम में झगड़ा कर रहे हैं उनका एक रिलायंस होता है कि जी ऑडिटर ने जो है हमें ठीक पिक्चर दिखा दी फिर उसके बाद आप सोल प्रोपार्टरशिप के बारे में देखते हैं कि अगर दो सोल प्रोपार्टरशिप आपस में मर्ज होना चाह रही है तो वहां पर वो दोनों बिजनेस कंसर्न अगर ऑडिटेड स्टेटमेंट्स सामने रख दें तो उनका ज्यादा रिलायंस होगा रुकेंगे ओके जी ठीक है हम जनाब आपस में इन शराय पर पार्टनरशिप कायम कर लेते हैं और फिर मैंने आपको बताया था कि ये चूंकि इतना इन डेप्थ ऑडिट किया हुआ होता है ऑडिट फर्म ने सारी की सारी बातें उन्होंने बता दी हुई होती हैं और वो जो मैनेजमेंट होती है वो उस पर फिर रिलाय करती है और वहां से मैनेजमेंट को ऑडिटर्स जो हैं वो मुफीद मशरे भी दे देते हैं कि आप अब यू अपने बिजनेस के अंदर तब्दीली लेकर आए वो भी उनको एक एडवांटेज होता है डिसएडवाटेज की जो बातें हुई थी उनमें आपको याद होगा कि एक ऑडिट फ़ी की बात हुई थी कि ऑडिट फ़ी देनी पड़ती है जनाब तो ठीक है भाई ऑडिट फी तो देना पड़ती है अब आप देख लें अगर ऑडिट फी का देना आपके लिए ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है तो ठीक है जी हम ऑडिट नहीं करवाते लेकिन अगर आप समझते हैं कि ऑडिट फी के देने से हमें जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो ठीक हैं हमारे लिए काबिल कबूल हैं तो ठीक ऑडिट फी दे देते हैं ये तो ऐसे ही है कि भाई पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं लिहाजा घर ही बैठे रहो लेकिन आप देखते हैं कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर आप उस तरफ जाते हैं ठीक है ना हवारा गर्दी के लिए आप समझेंगे कि जी पेट्रोल जो है वो ज्यादा महंगा है हम ठीक है आज हवरा गर्दी नहीं करते क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता रहा है क्या मैं आवारा गर्दी नहीं करना चाहिए लेकिन अगर कहीं से आपको कोई बुक परचेज करना है उस बुक को परचेज करने के लिए आप देख रहे हैं कि कोई बात नहीं मुझे अगर पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है तो वो बुक मेरे लिए ज्यादा मुफीद है मैं वो परचेज करने के लिए बाजार जाऊंगा और बुक लेकर आऊंगा वहां पर अब आप पेट्रोल के लिए एक्सपेंसेस इनकर करते हैं ठीक है ना ले जी अब मैं आपको आज की बात बताता हूँ यानी कि आज जो नई बात है अब से पहले तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा था ऑनवर्ड एक नई बात अमूमन लोग कंफ्यूज्ड होते हैं ऑडिट में और इन्वेस्टिगेशन में कि शायद ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन है नहीं ऐसा नहीं है ऑडिट तो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनको हम रिव्यू कर लेते हैं अकॉर्डिंगली सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जी ये ऑडिट का ओपिनियन फॉर्म हो गया लेकिन इन्वेस्टिगेशन इंटायरली एक डिफरेंट चीज है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो लफज इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है फ्रॉड ऑडिट का लफज इन्वेस्टिगेशन इज इनफैक्ट अ फ्रॉड ऑडिट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं उन पॉइंट्स को समझने के बाद हम ये जान जाएंगे कि फ्रॉड ऑडिट यानी कि इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में फर्क क्या है आइए हम बिलतरतीब इन पॉइंट्स को देखते हैं नंबर वन फ्रॉड ऑडिटिंग इज फाइनेंशियल ऑडिटिंग इट इज मोर अ माइंड सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है वो तो एक मैथडोलॉजी है क्या आपने एक मैथड एक तरतीब से अपनाना है और बिला जबकि माइंड सेट है आपका जहन इस तरफ होता है कि नहीं यार इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस गड़बड़ को ढूंढना इन्वेस्टिगेशन गड़बड़ की की जाती है जब कोई गड़बड़ आपके सामने आती है जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है कोई एम्बेजमेंट आपके सामने आती है कोई मिसअप्रोप्रिएशन आपके सामने आती है तब आप जाकर उस फ्रॉड को ऑडिट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रॉड ऑडिटर्स आर अनलाइक फाइनेंशियल ऑडिटर्स फ्रॉड ऑडिटर्स फोकस ऑन एक्सेप्शन अकाउंटिंग इन रेगुलरिटीज एंड पैटर्न ऑफ कॉन्डक्ट नॉट ऑन एरर्स एंड ऑमिशंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है उसका फोकस एरर्स और ऑमिशंस के रेफरेंस में होगा वो तो देखेगा कि प्रोसीजर सही अपनाया जा रहा है कि नहीं अपनाया जा रहा जहां पर नहीं अपनाया जा रहा क्यों नहीं अपनाया जा रहा वो देखेगा कि ये जो कंट्रोल हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड हैं या इनकी अपनी टेलर्ड हैं और अगर टेलर्ड हैं तो क्या ये उस एंटिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं इफ यस ओके नो प्रॉब्लम उस एंटिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है? ठीक है अब उसमें अगर कोई एरर या ओमिशन हो गई तो वो उसको देख लेगा उसकी नजर यह नहीं होती कि मैं इसके फ्रॉड को पकड़ू जबकि फ्रॉड ऑडिटर जो होता है यानी कि ऑडिटर फ्रॉड नहीं होता जो फ्रॉड को ऑडिट करने वाला होता है वो इस माइंड सेट के साथ आता है कि इधर कोई इरेगुलरिटीज हैं जिनको मैंने देखना ठीक है इधर कोई प्रॉब्लम हैं जिनको मैंने देखना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रॉड ऑडिटिंग इज लर्न प्राइमरीली फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट फ्रॉम ऑडिट टेक्स्ट बुक्स और लास्ट ईयरस वर्किंग पेपर्स लर्निंग टू बी अ फ्रॉड ऑडिटर मींस लर्निंग टू थिंक लाइक अ थीफ क्यों जी कि यहां पर अब आपने सोचना ही चोर की तरह देखो चोर की तरह सोचोगे तो चोर को पकड़ोगे ठीक है ना तो फ्रॉड ऑडिट करने वाला जो शख्स होता है उसके जहन में जो चीज होती है वो नेगेटिविटी होती।, होती है वो कभी भी पॉजिटिवली नहीं सोचेगा तभी जाकर वो फ्रॉड को पकड़ सकेगा यहां पर आपने पुलिस का रोल देखा होगा क्यों नेगेटिव होता है क्योंकि उन्होंने थीव्स को पकड़ना होता है ठीक है तो वो सोचते ही उस तर्स पर हैं और तब जाकर फिर वो फ्रॉड को पकड़ भी लेते हैं तो इन अ वे यहां पर फ्रॉड ऑडिटर जो है वो इस तरह से नहीं एक्सपीरियंस की बेस पर या इन अ वे एक्सपीरियंस मींस पास्ट एक्सपीरियंस यहां पर मैं जो एक्सपीरियंस की बात करूं पास्ट एक्सपीरियंस जो कि वर्किंग पेपर से हासिल होता है पिछले साल की वर्किंग पेपर फाइल या करंट फाइल को देखा जाता है या बुक्स में जो नॉलेज है उसका वहां से वो चीज लेता है बल्कि फ्रॉड ऑडिट करने वाला जो ऑडिटर होता है वो थिंक्स लाइक अ थीफ ठीक है उसका जो एक्सपीरियंस पिछला होता है इस तरह से फ्रॉड ऑडिट करने से वहां से उसकी लर्निंग्स हो रही होती हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रॉम अ फ्रॉड ऑडिट परस्पेक्टिव फ्रॉड इज एन इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स यानी कि यहां पर मेटीरियल या इन होना जो है वो बात नहीं है दोनों बातें ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आ रही है विद द डिफरेंस ऑफ विदिफरियल मिसस्टेटमेंट जो नॉर्मल ऑडिटिंग की अप्रोच है वो ऑडिटिंग की अप्रोच क्या है कि मेटीरियल के ऊपर कंसर्न है जो फ्रॉड ऑडिटर है वो कहता है कि नहीं जनाब मेटीरियलिटी इन मेटीरियलिटी डजेंट मैटर फ्रॉड इज फ्रॉड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रॉड्स आर कमिटेड फॉर इकोनॉमिक इगोसेंट्रिक आइडियोलॉजिकल एंड साइकोटिक रीजन्स ऑफ द फोर द इकोनॉमिक मोटिव इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉड नस्बता जो माड़े लोग होते हैं वही करते हैं लेकिन बाहर आप देखते हैं कि फ्रॉड आपको उस सतह पर भी नजर आता है जिसको क्या आप कहते हैं कि मैनेजमेंट है डायरेक्टर्स की सतह पर भी आपको फ्रॉड नजर आता है अब फ्रॉड कौन कर रहा है फ्रॉड इनफैक्ट वो शख्स कर रहा है जो नॉर्मली अपने आप को उस स्टेज से ऊपर देखना चाह रहा है या फिर उसकी एक साइको प्रॉब्लम है वो फ्रॉड कर रहा है या इगोसेंट्रिक है वो समझता है कि जी मुझे ये चीज हासिल करना चाहिए या अपनी किसी मेहरूमी को दबाने के लिए वो फ्रॉड कर रहा है तो नॉर्मली इस किस्म की रीजंस होती हैं जिसकी वजह से फ्रॉड किया जाता है लेकिन रिसर्च ये बताती है कि फ्रॉड जो है ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं नेक्स्ट पॉइंट है जी फ्रॉड टेंड्स टू एनकम्पास आ थ्योरी स्ट्रक्चर्ड अराउंड मोटिव अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट या तो मोटिव होगा या अपॉर्चुनिटी की वजह से फ्रॉड हो रहा होगा या फिर किसी बेनिफिट को हासिल करने के लिए फ्रॉड किया जा रहा होगा तो ये तीन वो कह रहे हैं कि रीजंस हो सकते हैं फ्रॉड करने के नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉड इन अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एनवायरनमेंट कैन बी कमिटेड एट एनी स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग इनपुट थ्रूपुट और आउटपुट इनपुट फ्रॉड्स का मतलब एंट्रिंग फॉल्स एंड फ्रॉडलैंड डेटा आर द मोस्ट कॉमन आप उसको इनपुट करते वक्त जब डेटा फीड कर रहे हैं उस वक्त ही आपने गलत चीज फीड कर दी कहता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर आपको फ्रॉड नजर जो आता है इनपुट थ्रूपुट और आउटपुट के दौरान में आउटपुट लेते वक्त आपने गलत जो है उसकी आउटपुट दे दी ज्यादातर इनपुट के दौरान में जब आप इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस करने के लिए इनपुट कर रहे हैं कोई वाउचर आप अप्रूव कुछ और हुआ हुआ है, आप फीड कुछ और कर रहे हैं फ्रॉड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी द मोस्ट कॉमन फ्रॉडुलेंट स्कीम्स बाय लोअर लेवल एम्प्लॉय इन्वॉल्व डिस्बर्समेंट्स मोस्ट कॉमन मैंने आपको कहा था कि जो माड़े लोग होते हैं जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं वो इस किस्म की करते हैं एम्बेजमेंट्स डिसबर्समेंट के वक्त पैसे साइड पर कर लिए कम कर लिए लाइक फोरमैन है वो मिल गया कैशियर के साथ दस वर्कर्स की बजाय बारह वर्कर्स शो कर दिए अब दो वर्कर्स की जो वेजेस हैं उसने अपने जेब में डाल ली और कैशियर के साथ कुछ कमीशन तय कर ले फ्रॉड इस तरह से जो महरूम होगा शख्स वही डिसबर्समेंट के वक्त फ्रॉड करेगा या परचेजिंग डिपार्टमेंट में चले जाएं, जो परचेज मैनेजर्स हैं लोअर लेवल के स्टाफ मेंबर्स उन पर रिलाय करते हैं कि ठीक है जी आप ये छोटी मोटी चीज परचेज कर लें इवन इस लेवल के भी परचेज मैनेजर लेवल के भी फ्रॉड्स होते हैं परचेजिंग के अंदर घपले फ्रॉड डिसबर्समेंट के वक्त पेमेंट्स के वक्त फ्रॉड नेक्स्ट बात है द मोस्ट कॉमन फ्रॉडुलेंट स्कीम्स बाय हायर लेवल मैनेजर्स इन्वॉल्व प्रॉफिट स्मूदिंग डेफरिंग एक्सपेंसेस, बुकिंग सेल्स टू अर्ली ओवर स्टेटिंग इन्वेंट्री अब ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट आपके जो है ज्यादा होकर नजर आएंगे ये किस लेवल पर हायर लेवल मैनेजमेंट आपने अभी चीजें सेल की नहीं है कि आपने इनकम की अकाउंटिंग एंट्री रिकोगनाइज कर ली रेवेन्यू रेकग्निशन जिस स्टेज पर होनी चाहिए उस स्टेज से पहले ही आपने रेवेन्यू को रेकग्नाइज कर लिया कि जी हमें तो इस साल में ज्यादा इनकम शो करना है इन्वेंट्रीज को ओवरस्टेट कर दिया प्रॉफिट्स आपके बढ़ गए वगैरह वगैरह ये हाई लेवल मैनेजमेंट के फ्रॉड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग टाइप फ्रॉड्स आर कॉज्ड मोर ऑफन बाय एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्स देन बाय लूज कंट्रोल्स। हमारा कंट्रोल ही कोई नहीं है लूज कंट्रोल होना एक अलग बात है हमने वैसे डिटेल से इंटरनल कंट्रोल पढ़ना है अभी कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है और उसको किस तरह से हम फिर इवेल्यूएट करते हैं और वगैरह उसके टेस्ट वगैरह वो हमने पढ़ने डिटेल से बहरहाल मैं सिंपली आपको अगर कंट्रोल बता दूं तो कंट्रोल यह है कि आपने किसी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो चेक्स रखे हुए वो कंट्रोल है अगर आपने चेक्स ही कोई नहीं रखे हुए कोई ऐसी मयर्स नहीं है कि जिससे उसको खौफ हो कि मैं तो पूछा जाऊंगा तो डेफिनेटली फ्रॉड करेगा अगर उसको खौफ हो कि मैं पूछा जाऊंगा तो वो एम्प्लॉय उस पूछे जाने की खौफ की वजह से फ्रॉड नहीं करेगा ठीक है ना लिहाजा वो कंट्रोल कहलाता है वो इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कहलाती है अब कहीं हम देखते हैं कि लूज कंट्रोल हैं, कंट्रोल हैं लेकिन लूज हैं और कहीं हम देखते हैं कि कंट्रोल ही कोई नहीं है तो ये कह रहा है कि जहां पर कंट्रोल ही कोई नहीं होगा वहां पर फ्रॉड के ज्यादा चांसेस होंगे लूज कंट्रोल में फिर भी कुछ थोड़ा सा खौफ होता है लेकिन जहां पर कंट्रोल ही कोई नहीं वहां पर ज्यादा फ्रॉड के चांसेस होंगे तो वहां पर फिर इन्वेस्टिगेशन होगी फ्रॉड ऑडिट होगा फ्रॉड इंसिडेंट्स आर नॉट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, बट फ्रॉड लॉसेस आर फ्रॉड्स बेस्ड लॉसेस जो होंगे वो ज्यादा बड़े होते हैं बजाय इसके फ्रॉड्स होने की जो है इंसिडेंट्स वो ज्यादा हो यानी कि फ्रॉड करने वाला शख्स एक ही मरतबा हाथ मारेगा और ज्यादा फ्रॉड करेगा वो ये नहीं कि छोटे छोटे छोटे-छोटे फ्रॉड करता चला जाएगा उसको तो फिर पकड़े जाने का खौफ नहीं है इसका मतलब तो फ्रॉड करने वाला शख्स बहरहाल खौफ ज़्यादा जरूर होता है इसलिए वो एक ही मरतबा फ्रॉड करता है और एक बड़ा फ्रॉड करता है वो यहां पर इस पॉइंट में बात बताई गई कि फ्रॉड इंसिडेंट्स जो होंगे वो इतने बड़े नहीं होंगे जितना बड़ा फ्रॉड लॉस होगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अकाउंटिंग फ्रॉड्स आर डिस्कवर्ड मोर ऑफन बाय एक्सीडेंट देन बाय फाइनेंशियल ऑडिट परपजेस और डिजाइन ओवर नाइंटी परसेंट ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड्स आर डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट यानी कि एक प्रोसेस के दौरान में आपको पता चलता है कि ओह हो यहां पर तो फ्रॉड मौजूद है ये अकाउंटिंग फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं ठीक है आप एक प्रोसीजर को स्टडी कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर रहे हैं वहां पर आपको एकदम से एक चीज वीक नजर आती है या वहां पर आपको नजर आता है कि इस दौरान में तो कंट्रोल इस्टेब्लिश ही नहीं किया गया कंट्रोल मेजर्स ही कोई नहीं थी वहां पर फ्रॉड हो गया तो एक स्टडी के दौरान में कह रहा है कि नाइनटी आपको जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो हैं वो एक्सीडेंटली नजर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉड प्रिवेंशन इज अ मैटर ऑफ एडिकेट कंट्रोल्स एंड अ वर्क एनवायरमेंट दैट प्लेस इज हायर वैल्यू ऑन पर्सनल ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग अब वो फाइनली ये बात करता है कि किस तरह से इन फ्रॉड्स से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं या बच सकते हैं उसके लिए कह रहा है कि जब तक आप कंट्रोल मयर्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक नहीं और फिर ये कि ये जो फ्रॉड से आप बचना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक लेवल ऑफ ऑनेस्टी रिक्वायर्ड है अब वो ऑनेस्टी डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पर भी कि किस तरह का एन्वायरमेंट आपने बनाया हुआ है उस एन्वायरमेंट पर बेस करके आप कह सकते हैं कि जी हमें अब फ्रॉड से बचाव हासिल हो गया आप एक एन्वायरमेंट बनाएंगे जिसके अंदर एक लेवल की कंट्रोल मयर्स होंगी चेक्स होंगे और फिर ऑनेस्टी बहरहाल एक एक मॉरल मयरस भी उधर मौजूद होना जरूरी है तब जाकर फ्रॉड से बचा जा सकता है सो so एनीवेज बात थी ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के फर्क की ऑडिट एक मेथड के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है और जो फ्रॉड ऑडिट है वो एक माइंड सेट के तहत है जिसमें के वो फ्रॉड ऑडिट करने वाला ऑडिटर विल थिंक लाइक अ थीव उसने सोचना इस तरह से होगा कि ये चीज तो गलत हो सकती है अब यहां पर एक और बहुत अहम बात सीख लेना जरूरी है कि ऑडिट की स्टेजेस क्या हैं ऑडिट की इनफैक्ट स्टेजेस को अगर हम हाँ स्क्रैच से शुरू करें तो बात होती है ऑडिटर को अपॉइंट करने से शुरू फिर एंगेजमेंट लेटर फिर उसके बाद जब ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर मिल जाता है तो ऑडिटर एक इनिशियल प्लानिंग करता है उस इनिशियल प्लानिंग में वो बिजनेस का नॉलेज हासिल करता है उस बिजनेस की रिस्क असेसमेंट करता है इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करता है और कंट्रोल प्रोसीजर्स की मालूम हासिल करता है अब जब ऑडिटर अपॉइंट हो गया उसको मालूम हो गया कि अब उसने इस एंटिटी का ऑडिट करना है उस एंटिटी के बारे में अब इनिशियल प्लानिंग उसकी शुरू होती है नॉलेज ऑफ द एंटिटी से वो उसके बारे में ये अब जानना चाहेगा बल्कि जानना शुरू करेगा कि एंटिटी कब बनाई गई क्या मोटिव्स किसने बनाई किस तरह के लोग हैं किस इन्वायरमेंट में काम कर रही है किस तरह के सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ इनकी डीलिंग है इस तरह की जनरल इंफॉर्मेशन उसका बैकग्राउंड नॉलेज वो हासिल करेगा उसके बाद जो अहम बातें हैं रिस्क असेसमेंट के बाद रिस्क असेसमेंट भी करेगा कि किस किस्म के रिस्क जो हैं इसको फेस करना पड़ रहे हैं एंटिटी को अब जो अहम बात ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में है इंटरनल कंट्रोल में थोड़ा सा मजीद डिटेल इसके बारे में आपको बताता हूं एक एग्जांपल के साथ फर्ज कर लें कि हम परचेज करना चाह रहे हैं तो परचेज करने के लिए एक प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को अपनाया जाना जरूरी है अगर उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया जाता तो इसका मतलब परचेजिंग में कोई ना कोई घपला होने के चांसेस हैं वो क्या कि आप जब परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो आप कोटेशन कॉल करें सबसे पहले उसके लिए भी बेहतर तरीकेकार यह है कि न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइज करेंगे एडवर्टाइज करने से यह होगा कि बायसनेस खत्म हो जाएगी कि आपने सिर्फ चंद एक सप्लायर्स को ही कहा है कि जी आप कोटेशन कर दिया टेंडर कि जी ओके okay, ये आप कोटेशंस कोटेशंस जो सबमिट करें आप कौटेशन्स आए कोटेशंस ओपन हो परचेज कमेटी के सामने उन कोटेशंस को ओपन करने के बाद आप फैसला करेंगे कि कौन सी कोटेशन जो है वो आपको बेहतर है सूट कर रही है उसके बाद जिस सप्लायर की कोटेड अमाउंट्स और क्वालिटी आपको सूट कर रही होंगी उसको आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसको ऑर्डर प्लेस किया एक आपने टाइम ड्यूरेशन उसके साथ फिक्स कर लिया कि फलाने शख्स के साथ आपकी डीलिंग है आपने ये ऑर्डर फलाने को देना है वगैरह वगैरह ये बातें तय हो गई डिस्काउंट प्राइस एवरीथिंग इज सेटल्ड अब वहां से जब चीज़ें आएंगी तो एक डिस्पैच नोट के जरिए से उन चीज़ों को आप एक्नॉलेज करेंगे रिसीव करेंगे आप रिसीव करने पर एक नोट बनाएंगे कि जी ये गुड्स हमने रिसीव कर लिए हैं उसके बाद आप उनको स्टोर में भेजेंगे वहाँ पर उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट होगी और फिर आगे उसकी इश्यूंस वगैरह का सिलसिला चल जाएगा बहरहाल एक ये प्रोसीजर है तो ये कंट्रोल आपने स्टैंडर्ड कंट्रोल सीखा हुआ है परचेजिंग के लिए आपने देखना है कि क्या यह इसी तरह का या इससे मिलता जुलता या इससे कुछ कम या ज्यादा कंट्रोल उस एंटिटी में मौजूद है आपने यह कंट्रोल वहां पर देखना है। फिर उस कंट्रोल में आपने मजीद यह चीज देखनी है कि क्या इसमें चेक्स मौजूद हैं डिफरेंट जगहों पर या नहीं लाइक like, अब आप जिस शख्स को एक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे हैं दूसरा काम भी उसी शख्स से ना लें फॉर एग्जाम्पल जो शख्स इन्वेंट्री को जो परचेज गुड्स हैं उनको काउंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही शख्स इन्वेंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो लाजिमन गड़बड़ करेगा कि जितनी वसूल की हैं गर्ड्स उनको कम शो कर देगा बुक्स के अंदर और बाकी गायब तो यहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर अप्रूवल्स ऑथराइजेशन का निजाम होना जरूरी है तो ये वो तरीकेकार होंगे जो कि आपकी कंट्रोल मैयर्स को एस्टेब्लिश करेंगे अब नेक्स्ट बात आती है ऑडिट प्लानिंग की आपने जब उनका कंट्रोल स्टडी कर लिया इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू कर लिया अब बात आती है प्लानिंग की अब आप यहां पर एक प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग में आपने देखना है कि यहां पर हमें किन लोगों को भेजना है यानी कि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैं ऑडिटर हैं उनकी कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए किस लेवल की ट्रेनिंग होना चाहिए वहां पर उस एनवायरमेंट में टीम के साथ डीलिंग किसने करनी है ठीक है इसको डिटेल से हमने बाद में पढ़ना है ऑडिट प्लानिंग खासा कॉम्प्लेक्स इशू है मैं अभी वो सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता बहुत इस स्टेज पर एक प्लानिंग हो जाया करती है ऑडिटर एक प्लानिंग करता है कि हमने कौन कौन से प्रोसीजर्स अपनाने हैं और किस तरह से हमने ऑडिट को कंप्लीट करना अब ऑडिट प्लानिंग के बाद बात चलती है कॉम्प्लायस टेस्ट की अब ये बातें कुछ थोड़ी सी आपके लिए समझना मुश्किल होगी मैं इसको बहुत सादगी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा अब बात आगे चलेगी कि वो जो कंट्रोल कंट्रोलिश हुए हुए हैं क्या वाकई उन कंट्रोल्स को एक्सरसाइज किया जा रहा है अब वो जब कंट्रोल की एक्सरसाइज आप देखेंगे कि वाकई हो रही है अगर तो ठीक कंट्रोल मयर एक्सरसाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर ट्रांजेक्शन की करेक्टनेस के बारे में शक में नहीं पड़ना चाहिए आपने एक मरतबा जब इस चीज को देख लिया कि जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के मुताबिक अकाउंटिंग की जा रही है तो इसका मतलब है कि अब आपको उस प्रोसीजर के नतीजे में की जाने वाली ट्रांजैक्शन पर शक नहीं होना चाहिए हाँ अलबत्ता अगर उस प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर ट्रांजैक्शन लेवल पर आपको ज्यादा एक्सटेंसिव टेस्ट लगाना होंगे इसको कहते सब्सटैंड टेस्टिंग आपने कॉम्प्लायस टेस्ट किया प्रोसीजर को स्टडी करने के लिए कि क्या यह ठीक है जो कंट्रोल इन्होंने बनाए हुए हैं क्या उनके मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं अगर तो उनके मुताबिक काम कर रहे हैं तो सब्सटैंटिव टेस्ट एक्सटेंट कम होगी यानी कि ट्रांजेक्शन लेवल पर आप बहुत ज्यादा सैंपल साइज नहीं बनाएंगे लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो प्रोसीजर्स ठीक अडॉप्ट नहीं हो रहे उसमें वीकनेस है तो आप ट्रांजेक्शन लेवल पर जो ऑडिट करेंगे उसकी एक्सटेंट ज्यादा होगी एनीवेज ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो कि आप अपनाएंगे इन ऑडिट प्रोसीजर्स के बाद अब आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस हासिल हो जाएगी एविडेंस आपको हासिल हो जाएंगे उन एविडेंस रीजनेबल एश्योरेंस को बेस करते हुए और मजीद इस स्टेज पर अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, देखें अभी आप थे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की स्टेज पर ट्रांजैक्शन की स्टेज पर प्रोसीजर्स की स्टेज पर अब आप आ गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टेज पर क्योंकि उन की मदद से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं और दूसरी बात मैंने क्या बताई भी पाकिस्तान के सिनेरियो में हमें देखना होगा कि क्या ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं या नहीं इफ यस yes, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कंप्लीट हो गया केस में कोई मिटीरियल मिस्टेटमेंट नहीं है इसमें कोई डिपार्चर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए किसी स्टैंडर्ड से ठीक है तमाम जो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स थी स्टैंडर्ड्स की या कंपनी उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई रिपोर्टिंग ठीक हुई है यह रिपोर्टिंग की स्टेज है अकाउंटिंग so, की स्टेज और रिपोर्टिंग की स्टेज को रिव्यू कर लिया ये बात मेरी समझ आई है अकाउंटिंग की स्टेज क्या कि आपने प्रोसीजर्स को और ट्रांजैक्शन लेवल पर आके सब्सटेंटिव टेस्ट के, के जरिए से एविडेंस हासिल कर लिए रीजनेबल एश्योरेंस आपने वहां पर हासिल कर ली और रिपोर्टिंग की स्टेज क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई है, हैं वो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी ऑर्डिनेंस बनाई गई है या नहीं यो यू आपने अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग इन दोनों के बारे में एक रीजनेबल एश्योरेंस हासिल कर ले अब क्या स्टेज है रिपोर्ट की अब आप बनाएंगे रिपोर्ट और करेंगे साइन और पेश कर देंगे स्टेक होल्डर्स को जिन्हें रिपोर्ट पेश करना बनती थी आपकी तरफ से यह है जनाब ऑडिट की स्टेजेस सो so, हमने पिछले दो लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में इन तीन लेक्चर्स में ऑडिटिंग के बारे में एक ओवरव्यू हासिल किया अभी हमें यह पता चला है कि ऑडिट होता क्या है अभी मजीद अब इसकी बारीकियाँ और इसको अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऑडिटिंग किस तरह से होती है उसको हमने पढ़ना और सीखना है आपका अब इंटरेस्ट डिवेलप हो चुका होना चाहिए ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा है कि जी ये थ्योरी थ्योरी है लेकिन इन ताला जब आप इसको अकाउंटिंग के साथ रिलेट करके चलेंगे तो आपको आसान लगेगी और अकाउंटिंग में तो आप लोग माशाल्लाह से एक्सपर्ट हो ही चुके होंगे ले जी बाकी की बातें अगले लेक्चर में मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज